सब्सक्राइब टू माय चैनल ऑल अबाउट फार्मेसी फॉर मोर अपडेट्स। हेलो गाइस, एक बार आपका मेरे वीडियो में फिर से स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे गोल्डन एज ऑफ माइक्रोबायोलॉजी। गाइस, हमने अपने लास्ट लेक्चर में कंप्लीट कर लिया था डिस्कवरी एरा और ट्रांजिशनल पीरियड ऑफ माइक्रोबायोलॉजी वगैरह हमने कंप्लीट कर लिया था। तो आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे गोल्डन एज ऑफ माइक्रोबायोलॉजी। ओके, सो लेट्स गेट स्टार्ट। गोल्डन एज ऑफ माइक्रोबायोलॉजी बिगिन विद द वर्क ऑफ लुईस पाश्चर एंड रॉबर्ट कोच। सो गाइज, गोल्डन एज ऑफ माइक्रोबायोलॉजी स्टार्ट किससे हुआ, किसके काम से? लुईस पाश्चर रॉबर्ट कोच के काम से गोल्डन एज ऑफ माइक्रोबायोलॉजी हमारा स्टार्ट हुआ। चलिए अब लुईस पाश्चर का काम देखते हैं। लुईस पाश्चर इन 1892 टू 1895, ओके, इनको हम क्या कहते हैं, इनको हम फाउंडर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी भी कहते हैं। अगर आपका क्वेश्चन आए पेपर में हु इज़ द फाउंडर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी, आप सीधा सीधा ही लिखेंगे फाउंडर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी है हमारे लुईस पाश्चर। लुईस पाश्चर ने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स किए हैं ना गाइस, जो हमारे जैसे जो हम जी रहे हैं वो एक्चुअली हम लुईस पाश्चर के एक्सपेरिमेंट्स की वजह से ही जी रहे हैं। तो वो हम आगे के लेक्चर में पढ़ेंगे ऐसा क्या क्या किया उन्होंने, अभी हम ये पढ़ लेते हैं। पाश्चर अ फ्रेंच माइक्रोबायोलॉजिस्ट परफॉर्म अ सीरीज ऑफ एक्सपेरिमेंट टू प्रूव दैट सॉल्यूशंस आर मेड फ्री ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स बाय बॉइलिंग एंड प्रोवाइडेड विद माइक्रो फ्री। गाइस, जो हमारा लुईस पाश्चर था उसने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट करे ये प्रूव करने के लिए कि जो हमारे जो सॉल्यूशंस होते हैं ना उनको हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म से फ्री बना सकते हैं उनको जस्ट बॉइल करके। ओके, ही सेड दैट माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर नॉट ओरिजिनेटेड स्पॉन्टेनियसली ऑल्दो दे वर प्रेजेंट इन द एयर। उन्होंने ये कहा कि हाँ, माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है हमारे वो हवा में प्रेजेंट है, बट वो किसी नॉन लिविंग थिंग से पैदा नहीं हो सकते। ठीक है, फिर से रीड कर लेते हैं लाइन। ही सेड दैट द माइक्रोब्स आर नॉट ओरिजिनेटेड स्पॉन्टेनियसली ऑल्दो दे वर प्रेजेंट इन द एयर। ठीक है, हालांकि वो एयर में प्रेजेंट होते हैं बट वो थ्योरी ऑफ स्पॉन्टेनियस जनरेशन को एकदम रिजेक्ट करते थे, वो उसको बिल्कुल फॉलो नहीं करते थे, उनके लिए वो जो थ्योरी थी वो एकदम गलत थी। ठीक है, अब हम इनके एक्सपेरिमेंट देखते हैं। इन दिस एक्सपेरिमेंट ही टूक अ वेरियस टाइप ऑफ ब्रॉथ। अब देखो यार, आप सोच रहे होंगे कि ब्रॉथ का मतलब क्या होता है। इस ब्रॉथ का मतलब कुछ नहीं होता, सूप जो होता है ना, जैसे सूप हो गया, कोई भी मिक्सचर कोई भी ग्रेवी जैसा कोई मिक्सचर होता है उसको हम ब्रॉथ कहते हैं। इन दिस एक्सपेरिमेंट ही टुक ए वेरियस टाइप्स ऑफ ब्रॉथ इन अ लॉन्ग नेक फ्लास्क सॉफ्टन्ड द नेक ऑफ द फ्लास्क ऑफ स्वान। ठीक है, तो इस एक्सपेरिमेंट में उन्होंने बहुत सारे ब्रॉथ लिए, कौन से यीस्ट, वाटर, शुगर, यूरिन सबका ब्रॉथ लिया और इन सबको किस में डाला, एक लॉन्ग नेक फ्लास्क में डाला। फिर उन्होंने क्या किया कि जो ये लॉन्ग नेक फ्लास्क होता है ना, एक इस तरह का फ्लास्क होता है, इसको लॉन्ग नेक फ्लास्क कहते हैं। तो हमारे पाश्चर ने क्या किया, इसके जो फ्लास्क का नेक थी ना, इसको हीट किया और इसको एक स्वान शेप बना दिया। ठीक है, इसके फ्लास्क की नेक को स्वान शेप फ्लास्क में कन्वर्ट कर दिया। देयर फोर दिस एक्सपेरिमेंट वॉज नेम्ड स्वान नेक्ड फ्लास्क एक्सपेरिमेंट। तो इस एक्सपेरिमेंट को हम और किस नाम से बुलाते हैं, स्वान नेक्ड फ्लास्क एक्सपेरिमेंट। द ब्रॉथ वर बॉइल्ड इन अ फ्लास्क वाइल स्टीमिंग एंड कूल। जो हमारे ब्रॉथ को क्या किया गया, उनको बॉइल किया गया, उनको अच्छे से बॉइल किया गया, बॉइल्ड इन उसी फ्लास्क के अंदर अंटिल स्टीमिंग देन कूल। ठीक है, जब तक स्टीम ना आ जाए तब तक किया और फिर क्या किया, उसको अच्छे से कूल करा। ठीक है, ब्रॉथ को, जो हमारा फ्लास्क था उसको बॉइल किया, उसके बाद उसको कूल किया। ठीक है, द ब्रॉथ आफ्टर कूलिंग डिड नॉट डीके विदाउट एनी साइन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ठीक है, तो उन्होंने देखा कि यार कूल करने के बाद जो था उस ब्रॉथ के अंदर कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स की प्रेजेंट नहीं थी। आफ्टर डेज, वीक एंड मंथ थ्रू ओपन टू द फ्री एयर। अब देखो यार, जब हमारे लुईस पाश्चर ने देखा कि यार कोई भी ग्रोथ अभी नहीं हुई है ब्रॉथ के अंदर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की, तो उन्होंने क्या किया कि ये जो स्वान शेप्ड नेक दिख रहा है ना आपको, इसको उन्होंने रिमूव कर दिया। ठीक है, इसको उन्होंने रिमूव करने के बाद जो हमारा पूरा फ्लास्क था उसको फ्री एयर में छोड़ दिया। ठीक है, अब गाइस, जब उन्होंने उसको फ्री एयर में छोड़ा तब उन्होंने कुछ टाइम बाद ये नोटिस किया कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की ग्रोथ हो रही है। ठीक है, उन्होंने ये नोटिस किया कि चलो भाई, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की ग्रोथ हो गई, चलो ठीक है, पता चला कि एयर की वजह से माइक्रो ऑर्गेनिज्म उसके अंदर आ गए। बट फिर उन्होंने बाद में ये नोटिस किया कि यार माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की ग्रोथ ना अपने आप बढ़ रही है, मतलब जितनी पहले थी उससे ज़्यादा हो गई माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की ग्रोथ। ठीक है, तो फिर ये पता लगा, ये देख के लुईस पाश्चर ने क्या कंक्लूड किया, ये देख के लुईस पाश्चर ने ये कंक्लूड किया
कि जो हमारी माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स की ग्रोथ है वो माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स की वजह से ही हो रही है, एक प्री एग्जिस्टिंग लाइफ की वजह से ही हमारे माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स जो हैं वो ग्रो हो रहे हैं, ठीक है। मतलब पहले क्या किया, पहले क्या था, पहले इस फ्लास्क में, जब फ्लास्क में एयर नहीं थी, जब फ्लास्क में हमारे जब फ्लास्क में हमने अलाउ किया एयर आने को, ठीक है, जब हमारे फ्लास्क में एयर आई तो क्या हुआ, एयर की वजह से माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स आ गए, ये एक्सेप्ट कर लिया हमने, फिर बाद में क्या हुआ, ये माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स की ग्रोथ अपने आप ही इंक्रीज़ होने लगी। फिर जब पाश्चर ने इसके ऊपर और स्टडी की तो ये कहा कि माइक्रो ऑर्गेनिज़म ही खुद ही अपने आप ही प्रोडक्शन की हेल्प से खुद ही अपने आप अपनी जो है अपने नंबर्स को बढ़ा रहे हैं, मतलब माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स की वजह से ही नए माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स बढ़ रहे हैं, कोई प्री एग्जिस्टिंग लाइफ की वजह से ही हमारी नई जनरेशन जो है माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स की वो पैदा हो रही है। तो इन्होंने इसी के बेसिस पे क्या किया, थ्योरी ऑफ स्पॉन्टेनियस जनरेशन को मना किया और अपनी एक थ्योरी बताई जो मैंने आपको बता दी। पास्टर पॉइंटेड आउट दैट स्वान नेक ऑफ द फ्लास्क दैट इज वॉल्स ऑफ कर्व नेक ट्रैप्ड एयर ब्रोन माइक्रो ऑर्गेनिज्म बिफोर दे कुड रीच द ब्रोथ एंड ग्रिट। गाइस इसमें बस ये बताया गया है, इसमें एक्चुअली गाइस नोट्स मैंने जिस बुक से नोट्स बनाया अभी मैंने नोटिस किया कि इसने पूरा अच्छे से बताया नहीं है, बट जो मैंने इंपॉर्टेंट चीज़ थी वो आपको पहले अच्छे से बता दी, आप उसे सुन लेना। गाइस इसमें बस ये कह रहा है कि जब यहाँ पे स्वान नेक शेप थी ना माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जब यहाँ पे स्वान नेक शेप आई तो एयर तो आई होगी, ठीक है, जब एयर आई अंदर तो क्या हुआ, एयर जो थी यहीं पे ट्रैप्ड हो गई, वो अंदर नहीं गई, ठीक है, जिससे हमारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म अंदर नहीं जा पाए। तो ये भी एक रीज़न था कि उन्होंने स्वान शेप क्यों दिया। ओके सो गाइस ये था हमारा लुईस पास्टर का एक्सपेरिमेंट, आई होप आपको समझ आ गया होगा। गाइस आई होप आपको पास्टर का एक्सपेरिमेंट समझ आ गया होगा। गाइस आपको पता है आपको क्या करना है, अगर आपको समझ आया हो मेरी वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है दोस्तों के साथ। सो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में जो होगा जॉन टिंडल का एक्सपेरिमेंट। सो बाय, गुड लक फॉर एग्जाम्स।